जेल में कैदियों के बीच झगड़े होने के किस्से लगातार सामने आ रहे हैं। मामला हिसार सेंट्रल जेल नंबर 2 का है, जहां कैदियों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक कैदी रविंद्र की मौत हो गई। रविंद्र रतिया थाना के एनडीपीसी के केस में सजा काट रहा था। बताया जा रहा है कि जेल में कैदियों ने 3 अन्य कैदियों पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक कैदी की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। ये हमला जेल की बैरक नंबर 1 के सामने किया गया। हमलावर कैदियों ने दूसरे गुट के कैदियों पर सुओं से हमला किया। ये प्रशासन ही नहीं काम सही कर रहा, फिर जेल में जो जज साहब वैसे ही सजा दे दें, मौत की सजा दे दें, तेरे को यही आदमी मारने हैं, बच्चे मारने हैं, तो वहीं जज साहब ही जेल में वहाँ दे दें। हम प्रशासन से यही मांग कर चाहते हैं कि इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। वहीं जेल में हुई गैंगवार को लेकर गुस्साए परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ग्रामीणों ने जेल प्रशासन और पुलिस पर रविंद्र की हत्या करवाने का आरोप लगाया। मृतक की मां और भाई ने सरकार से हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई चाहते हैं, जो अंदर जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर भी पूरी की पूरी कार्रवाई चाहते हैं। आज हमें सूचना मिली थी कि इस तरह जेल में रविंदर नाम का सजायाफ्ता कैदी है और उसके साथ 2 और मुलजिम थे, हरजिंदर और तलविंदर। उनके ऊपर किसी अंदर जेल के कैदियों ने कराया है कोई हमला कर दिया है, जिसमें रविंदर की डेथ होने की सूचना मिली और कार्रवाई चल रही है। जेल में हत्या होने के बाद कैदियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल हमले के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बड़ी बात ये है कि जेल में इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? R9 टीवी के लिए हिसार से रुद्रा राजेश कुंडू की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार।